हेलो स्टूडेंट्स, मैं जी सर स्वागत करता हूँ आपका एम अचवर्स की ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम जो हमारा छठा चैप्टर चल रहा था उसका लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है उत्प्रेरक। अब तक की वीडियोस के माध्यम से हमने जो छठा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक उसको लगभग पूरा कर लिया है। हमने लगभग सभी टॉपिक जो है कवर किए हैं। फिर भी यदि कोई टॉपिक छूट गया हो या फिर कोई टॉपिक आपको पुनः समझना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको दोबारा समझना है। इसके अतिरिक्त इस चैप्टर के क्वेश्चन भी अगर आपको करने हैं कि आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन भी आपको समझाऊं तो आप कमेंट अवश्य कीजिए। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं अगले वीडियो या अगले चैप्टर पर चला जाऊंगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी समझाऊं तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और आप कमेंट में इस वीडियो की जो कमेंट होगी उसमें ये जरूर लिखिए कि आप कौन सा चैप्टर जो है पढ़ना चाहते हैं, तो उसी वही चैप्टर जो है हम जो है चालू करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम उत्प्रेरक समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक उत्प्रेरक रहेगा और ये उत्प्रेरक टॉपिक कम्प्लीट होते ही हमारा चैप्टर भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो देखिए उत्प्रेरक क्या होता है। हमने अब तक बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं देख लिए। जैसे हमने एक रासायनिक अभिक्रिया देखी थी KClO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट है, जब इसको गर्म किया जाता है तो इसका अपघटन हो जाता है और KCl+O3 अर्थात O2 अर्थात ऑक्सीजन गैस बन जाती है। ठीक है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया। अब हम मान लेते हैं कि इस अभिक्रिया को होने में 5 मिनट का समय लगता है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि अभिक्रिया 5 मिनट में नहीं हो, ये अभिक्रिया इससे भी शीघ्र हो जाए, क्योंकि 5 मिनट रुककर इसे देखना जो है मुश्किल होता है। या फिर अपन ऐसे कहें कि कोई अभिक्रिया ऐसी हो रही है जिसमें बहुत अधिक टाइम लग रहा है, तो उस टाइम को कंज्यूम करने के लिए, उस टाइम को कम करने के लिए हमको एक ऐसा पदार्थ चाहिए जो क्या करे, उसमें जो है उस अभिक्रिया को तीव्र कर दे। या कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि हमें कोई अभिक्रिया बहुत ज्यादा तीव्र हो रही है, तो उसमें परिणाम को हम देखने के लिए क्या करते हैं, उसकी जो गति है या जो वेग है उसको कम करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल पे वापिस लौटते हैं। तो देखिए, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, इसको हम गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन जाता है। ये 5 मिनट में होने वाली अभिक्रिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभिक्रिया क्या हो जाए, इससे भी कम समय में ही हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐसा पदार्थ डालेंगे जो इसको तीव्रता प्रदान करेगा। तो इस अभिक्रिया के लिए एक उत्प्रेरक डाला जाता है MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड। जब इस पदार्थ को हम डाल देते हैं तो ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, और ज्यादा तीव्र हो जाती है। अभिक्रिया क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। कहने का मतलब है कि जो अभिक्रिया पहले 5 मिनट में हो रही थी, हो सकता है शायद वो अभिक्रिया 1 मिनट में हो जाए। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इससे भी कम समय में हो जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि जो अभिक्रिया 5 मिनट में हो रही थी वो कम समय में होगी। हमने एग्जाम्पल रूप में माना कि 5 मिनट में हो रही थी और उत्प्रेरक या पदार्थ MnO2 डालने पर क्या हो गया, 1 मिनट में ही अभिक्रिया हो जाएगी। और हमारा काम भी यही था कि हम क्या चाहते थे कि जो 5 मिनट में होने वाली अभिक्रिया है वो क्या हो जाए, तीव्र गति से हो जाए या कम समय में ही हो जाए। तो देखिए, जब अभिक्रिया में कोई ऐसा पदार्थ डाला जाता है जो कि उसके वेग को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। इस चीज का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि हमको क्या लिखना है, परिवर्तित, ना कि बढ़ा देता है। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, उत्प्रेरक की जब परिभाषा लिखते हैं या फिर जब उत्प्रेरक को पढ़ते हैं तो एक ही चीज दिमाग में बिठा लेते हैं, बढ़ाता है। हम मानते हैं कि सामान्यतः हमको अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना होता है, क्योंकि औद्योगीकरण के लिए या फिर हमारे लिए किसी पदार्थ का निर्माण करने के लिए हमको यह आवश्यकता होती है कि उस पदार्थ का निर्माण जो है क्या हो, शीघ्रता से हो। तो उत्पाद का निर्माण शीघ्रता से करने के लिए हम उसमें केवल या अधिकांशतः ऐसे उत्प्रेरक डालते हैं जो कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया ही जाए, कभी कभी अभिक्रिया के वेग को कम भी किया जाता है। हम अभिक्रिया के वेग को कभी कभी कम भी करना पड़ता है। ठीक है, इस कारण से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, परिवर्तित, ना कि बढ़ाना। ठीक है, तो
ऐसे पदार्थ जो कि अभिक्रिया में डालने पर, ये एक पदार्थ है, इसको हमने क्या कर दिया, अभिक्रिया में डाल दिया, जिससे क्या हो जाता है उसका जो वेग है, वेग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने वाले पदार्थ को हम क्या बोल देते हैं, उत्प्रेरक बोल देते हैं। तो इसी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उस पदार्थ को, उस पदार्थ को हम क्या कह देंगे, उत्प्रेरक कह देंगे। तो ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, उस पदार्थ को हम क्या बोल देते हैं, उत्प्रेरक बोल देते हैं। ये हमारे क्या हो गया, उत्प्रेरक की परिभाषा, और ये हमारे उत्प्रेरक का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखिए, जो वनस्पति तेल होता है, वनस्पति तेल अर्थात पादपों से प्राप्त होने वाला जो तेल होता है, उसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोजन गैस से करवा के वनस्पति घी प्राप्त करते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में डालडा के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, वनस्पतिक तेल की अभिक्रिया हम किससे करवाएं, हाइड्रोजन से करवाते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, वनस्पतिक घी जो है बन जाता है। अभी वास्तव में होता क्या है, देखिए सामान्यतः इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, एथीन से, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। हो हम यहाँ पर एथीन लिख सकते हैं, ये गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वनस्पति जो तेल होता है वो एथीन नहीं होके कार्बन का बड़ा यौगिक होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, कार्बन के मध्य द्विबंध जरूर आते हैं। तो इस वजह से हम इसको एथीन, जो कि इस श्रेणी का सामान्य सूत्र है या फिर सामान्य यौगिक है, इससे हम इसको क्या कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। तो जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से होगी तो क्या होगा, एक इसमें से एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, और क्या बन जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, वनस्पति घी के नाम से जानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि द्विबंध युक्त कार्बनिक यौगिक को एकल बंध युक्त कार्बनिक यौगिक में बदल रहे हैं, किसके माध्यम से, हाइड्रोजन के माध्यम से। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, वनस्पति घी से वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण होना बोल देते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी अभिकारक में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। तो हमने जो पिछली वीडियो देखी थी उसमें हमने अपचयन उच्चयन पढ़ा था, तो उसके आधार पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, एक हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया या फिर अपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये अपचयन प्रकार की अभिक्रिया में आप उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है वो धीरे धीरे होती है, और आप पता है कि हमको जो है ये एक ऐसा पदार्थ है जिसका औद्योगीकरण अर्थात औद्योगिक महत्व है, उसको हम बेचते हैं, या हम क्या बेचते हैं, जो कंपनी वाले हैं वो बेचते हैं, हम तो इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वनस्पति घी जो है वो हमारे लिए उपयोगी सामग्री, इसकी ज्यादा मात्रा में उत्पादन हमको करना होता है। तो ज्यादा मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए और तीव्र मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए, ज्यादा मात्रा में नहीं, तीव्र मात्रा में, तीव्र मात्रा में होगा तो हम ज्यादा मात्रा में उत्पाद जो है जल्दी जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर निकल जो होता है, ठीक है, निकल जो होता है उसको चूर्णित या पाउडर फॉर्म में इसमें डाल देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, ये अभिक्रिया और भी ज्यादा तीव्र हो जाती है। तो अब तक हमने क्या देखा कि कोई ऐसा पदार्थ जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में डालने पर क्या हो जाता है, उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या फिर परिवर्तित कर देता है, घटा देता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, उत्प्रेरक बोल देते हैं। तो हमने यहाँ तक उत्प्रेरक की परिभाषा और उत्प्रेरक के उदाहरण देख लिए हैं। देखिए अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उत्प्रेरक के गुण, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उससे पहले प्रकार दिए हुए हैं बुक में, लेकिन मैं पहले आपको उत्प्रेरक के गुण समझाऊंगा, उसके बाद उत्प्रेरक के प्रकार हम देखेंगे। तो देखिए उत्प्रेरक के, देखिए अब हम समझेंगे क्या, उत्प्रेरक के गुण। अभी तक हमने देखा कि उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक के एग्जाम्पल हमने देखी, अब हम देखेंगे कि उत्प्रेरक के गुण क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये क्या होता है कि क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में 3 नंबर का पूछा जाता है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछ सकता है, वो इस तरह से पूछ सकता है कि एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन दे दे, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक एक नंबर का क्वेश्चन दे दे और एक 2 नंबर का क्वेश्चन दे दे। तो जब 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे एक नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, उत्प्रेरक की परिभाषा लिखिए, ठीक, उदाहरण लिखिए, उदाहरण आपको जो है अगर कोई परिभाषा पूछ लेता है तो उदाहरण आपको अपनी इच्छा से लिखना पड़ेगा,
अगर जैसे उत्प्रेरक पूछ लेता है तो आपको एक अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी जिसमें आपको उदाहरण देना है, इससे नंबर मिलने की श्योरिटी 100% हो जाती है। अगर आप अभिक्रिया परिभाषा लिख देते हैं और अभिक्रिया नहीं लिखते या फिर एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं तो उसमें नंबर कटने के चांस होते हैं, भले ही वो उदाहरण लिखने के लिए बोले या नहीं बोले, फिर भी अपन को क्या करना है, उदाहरण लिखना है। जब उदाहरण आता है तो लिखिए ताकि नंबर मिलने के कोई चांस हो। ठीक है, ये तो एक नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये पूछ सकता है कि उत्प्रेरक के चार गुण लिखिए, अपना जो है 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन उत्प्रेरक क्या होता है और 2 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक के गुण बताइए। अब हम देखेंगे उत्प्रेरक के गुण क्या होते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या होगा, हमको इसको जो है पॉइंट में पढ़ना है, किताब में 6 पॉइंट दिए हुए हैं तो उनको हम जो है यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि वो जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक जो होता है वो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। अभिक्रिया के उत्प्रेरक केवल केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। ठीक है, अभिक्रिया के क्या करता है, वेग को बढ़ाता है। वह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अभिक्रिया क्या होगा, भाग नहीं लेगा। तो अपना पहला पॉइंट है, देखिए उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, वह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। इससे क्या तात्पर्य, कहने का तात्पर्य ऐसे है कि जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 के जब हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास CH3 जो है ये बनता है, ये वनस्पति घी है, ये वनस्पति तेल है, जिसके लिए हम निकल उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं। तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेने का क्या तात्पर्य, देखिए अभिक्रिया में भाग नहीं लेने का या लेने का सीधा सा तात्पर्य कैसे होता है, उत्पाद के बनने से, कि उत्पाद का निर्माण कैसे हो रहा है, किससे हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो था वो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, इससे हमारे उत्पाद का निर्माण हो रहा है। लेकिन इस अभिक्रिया में कहीं पे क्या निकल उत्प्रेरक जो है या निकल जो पदार्थ है, क्या ये जुड़ा, इससे जुड़ा हो या इससे जुड़ा हो, नहीं जुड़ा, ये हमारे अभिक्रिया में इससे भी नहीं जुड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो उत्पाद का निर्माण हुआ है उसमें निकल की कोई भूमिका नहीं है, उत्पाद का जो निर्माण हो रहा है वो निकल की उपस्थिति या अनुपस्थिति से चेंज नहीं हो रहा है। उत्पाद तो पहले भी क्या बन रहा था, CH3 अर्थात वनस्पति घी बन रहा था, और अभी भी क्या बन रहा है, CH3 ही बन रहा है। निकल ने इस अभिक्रिया में कोई चेंज नहीं किया है, केवल केवल क्या किया है, जो अभिक्रिया 5 मिनट में हो रही थी उसको कितने टाइम में कर दिया इसने, 1 ही मिनट में कर दिया। बस इसीलिए ये जो है उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, ये कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, ये क्या करेगा, बस अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देगा। ठीक है, तो ये शायद पहला पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो उत्प्रेरक जो होता है, अब जैसे हमने पहले पॉइंट में क्या देखा कि उत्प्रेरक क्या होता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित नहीं होता है। अब जब वो अभिक्रिया में भाग ही नहीं ले रहा तो परिवर्तित भी नहीं होगा। क्या तात्पर्य, इससे तात्पर्य देखिए, वापस से वही एग्जांपल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर हमने हाइड्रोजन से इसकी अभिक्रिया करवाई और यहाँ पर हमने क्या लिया, निकल लिया, जिससे हमारे CH3 बना। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर निकल लिया है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि निकल जो है, निकल का जो गुण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम क्या करेंगे, निकल जो होता है उसको चूर्ण के रूप में इसमें डालेंगे। ठीक है, चुटकी भर इसमें डाल देंगे और वो चुटकी भर हमको अभिक्रिया जब पूर्ण होगी तो वनस्पति घी जो प्राप्त होगा ना उसी में पात्र में जमा हुआ या ऊपर तैरता हुआ ये प्राप्त हो जाता है। और अगर आप किसी ऐसे पदार्थ को डाल देते हैं जो केवल निकल से अभिक्रिया करता है तो निकल जितनी मात्रा में आप डालोगे, निकल उस पदार्थ के साथ उतनी मात्रा में अभिक्रिया करके और नया पदार्थ बना लेगा जिसको आप आसानी से पृथक कर सकते हैं, या फिर वो ऐसा पदार्थ बना सकते हैं जो अवक्षेपित हो जाए, या फिर वो ऐसा पदार्थ बना सकते हैं जो ऊपर तैरे, तो उससे भी जो है निकल उतना ही प्राप्त हो जाएगा जितना कि हमने डाला था। कहना इसका तात्पर्य यह है कि इसके किसी भी गुण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया क्या, दूसरा पॉइंट। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट देखिए कि उत्प्रेरक सूक्ष्म मात्रा में भी क्रियाशील रहता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या बात, ये जो पॉइंट है इसमें हम देखते हैं
उत्प्रेरक सूक्ष्म मात्रा में भी क्रियाशील रहते हैं। इससे क्या तात्पर्य, देखिए हम क्या करते हैं, दही में, दही को बनाने के लिए दूध में जावन डालते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर हम जो है उसमें दो तीन कटोरी या पूरा का पूरा दही अगर डाल देते हैं तो उससे दही जो है एक ही मिनट में जम जाए, ऐसा नहीं होता है। तो जावन जो है सूक्ष्म मात्रा में या थोड़ी सी मात्रा में जो है डालना होता है। जावन से तात्पर्य क्या है, थोड़े से दही से या छाछ से, ठीक है, जिससे लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो दूध में चले जाए। तो थोड़े से अगर बैक्टीरिया उसमें चले गए तो वो भी क्या करेंगे, जनन प्रक्रिया द्वारा उसकी मात्रा जो बैक्टीरिया है या जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है वो क्या करेगा, अपनी मात्रा में वृद्धि करेगा और जिससे जो दूध है वो किसमें चेंज हो जाएगा, दही में चेंज हो जाएगा। अब ज्यादा मात्रा में अगर आप उसमें जो है बैसिलस जो जीवाणु है अगर वो डालेंगे तो उससे ऐसा नहीं होगा कि वो एक ही मिनट में या एक ही घंटे में जो है दही बन जाएगा। उसमें थोड़ी सी मात्रा में डालोगे तो वो भी उतना ही काम करेगा जितना कि थोड़ा सा करेगा, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसमें खटास ज्यादा है तो वो हम यहाँ पे नहीं देंगे, सूक्ष्म मात्रा में देंगे। सूक्ष्म मात्रा से कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप किसी रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक प्रयोग करना है तो आप चुटकी भर डालिए, वो भी उस अभिक्रिया को पूर्ण करवाने में कारगर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अगले पॉइंट। तो देखिए अगला जो पॉइंट है अपना, जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक जो होता है, ठीक है, वो तापमान, तापमान में परिवर्तन से प्रभावित होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। अब देखिए हम अगर किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं तो सामान्य तौर पर जैसे मान लीजिए कि वो कमरे के ताप पर 37 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है, वो क्रियाशील रहता है। लेकिन अगर आपने उस उत्प्रेरक के लिए ज्यादा या कम तापमान प्रयोग किया, जैसे अगर आप ऐसे सोचते हैं कि जैसे मान लो कि कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें उत्प्रेरक डाल दिया, वो धीरे धीरे हो रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि वो और ज्यादा तेज हो जाए, अगर आपने उसको गर्म कर दिया कि वो जल्दी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, जो उत्प्रेरक काम में लिया गया वो विकृत हो जाएगा, उत्प्रेरक खराब हो जाएगा और उससे अभिक्रिया हो सकता है कि हो ही नहीं। तो क्या हो जाएगा कि अगर आप किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक काम में लेना चाहते हैं, उत्प्रेरक के लिए तापमान निश्चित होता है, अगर उस तापमान से आपने क्या कर दिया, तापमान को घटा दिया या बढ़ा दिया, तो उत्प्रेरक क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, तो वो अभिक्रिया जो है पूर्ण नहीं करवा पाएगा या फिर किसी और तरीके से अभिक्रिया में भाग ले लेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक काम में लेना चाहते हैं तो उसके लिए तापमान भी क्या होता है, निश्चित होता है। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट देखते हैं कि उत्प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होता है, विशिष्ट होता है। इससे क्या तात्पर्य, देखिए उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होता है, इसी तात्पर्य है कि देखो जैसे हमको दही जमाना है तो दही जमाने के लिए हमको खट्टी चीज डालनी है उसके, ठीक है, हमको मूल रूप से क्या चाहिए, हमको लैक्टोबैसिलस जीवाणु चाहिए जो कि किसमें होते हैं, जो पहले से जमाए गए दही या फिर छाछ में ही होते हैं। तो हमको दही या छाछ ही आप उसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर मान लो खट्टी चीज टमाटर भी होता है या नींबू का रस होता है, अगर आप उसको प्रयोग करेंगे तो दही नहीं जमेगा, ठीक है, तो खट्टी चीज वो भी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी अभिक्रिया करवाने के लिए उत्प्रेरक विशिष्ट होता है, ठीक है, उत्प्रेरक क्या होता है, विशिष्ट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के लिए वही उत्प्रेरक काम में लिया जाएगा, अगर आप उसके स्थान पर कोई और पदार्थ काम में लोगे तो वो अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो इस ये जो पॉइंट है इसका ये तात्पर्य कि कोई किसी अभिक्रिया के लिए जो उत्प्रेरक होता है विशिष्ट होता है, दूसरे उत्प्रेरक का अगर आप उपयोग करोगे या दूसरे अभिक्रिया में उसी उत्प्रेरक का उपयोग करोगे तो वो अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, उत्प्रेरक के गुण जो है हमने दे दिए, ठीक है। अब इसका जो है लास्ट पॉइंट बचा है तो आप किताब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पांच पॉइंट अपने लिए काफी, वैसे जो है इसमें से पूछने लायक जो क्वेश्चन बनेगा वो चार ही पॉइंटों से बनेगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे तीन नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि छह पॉइंट तीन नंबर का अगर पूछेगा तो हमको छह पॉइंट जरूर बताने पड़ेंगे, तो आप एक पॉइंट उसमें से देख लेना, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पर एक पॉइंट देख लिया है, वैसे ऐसा क्वेश्चन जो है आने के बहुत कम चांस है, वो पूछेगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो बताइए और उसके साथ उसे चार गुण बताइए, ठीक है। तो आप आसानी से जो है अपनी गुण बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे उत्प्रेरक के प्रकारों की, तो आगे देखिए उत्प्रेरक के, तो देखिए अब हम देखेंगे उत्प्रेरक के प्रकार। तो उत्प्रेरक के प्रकार देखिए यहाँ पर क्या है कि हमको उत्प्रेरक के जो प्रकार है वो अलग अलग प्रकार से पढ़ने, अलग अलग प्रकार से तात्पर्य क्या है कि हम क्या पढ़ेंगे, इसकी भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ेंगे, उसकी क्रिया के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो टाइप अपने पास हैं, तो पहला टाइप है क्या,
भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। तो ये भौतिक अवस्था के आधार पर से क्या तात्पर्य, हमने चैप्टर के शुरू में जब रासायनिक समीकरणों को लिखना देखा था तो हमने बात की थी कि जैसे कोई भी जो पदार्थ होता है वो क्या होता है कि चार अवस्थाएं जो है हम रासायनिक समीकरण प्रदर्शित कर सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो जैसे आप कोई जो अभिक्रिया है, जैसे हमने क्या करा है कि हमने लिया जिस लिया था एथीन, ठीक है, यहाँ पर फिर हमने हाइड्रोजन गैस ली थी और हमने ऊपर लिया था क्या निकल, इसके बाद हमारे पास क्या बन गया था C3H6, ठीक है। तो ये जो पदार्थ है अगर हम इसकी भौतिक अवस्था की बात करें तो ये क्या होता है, लिक्विड होता है, ये गैस होता है और ये क्या होगा, ये ठोस होता है, ये है तो ठोस होता है और जो निकल है वो धातु है तो वो क्या होगा, ठोस होगा। अब यहाँ देखिए इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या है, ये द्रव है, ठीक है, ये गैस है, ये क्या है, ठोस है, और ये क्या है, ठोस। तो देखिए यहां पर क्या हुआ है कि अभिकारकों उत्प्रेरक और उत्पाद की जो भौतिक अवस्था है, अभिकारकों उत्प्रेरक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो जब अभिकारकों उत्पादों और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है, क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो ये जो काम में आया गया या काम में लाया गया उत्प्रेरक जो है वो क्या कहलाएगा, विषमांगी, ठीक है, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। एक बार और देख लीजिए, जब अभिकारकों उत्पादों और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान नहीं होती है, भिन्न भिन्न होती है, ऐसा कह सकते हैं, भिन्न भिन्न होती है, तो वह उत्प्रेरक क्या कहलाता है, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। ये तो अपना कौन सा टाइप हो गया, इसमें पहला जो प्रकार है हमारा भौतिक अवस्था के आधार पर उसमें कौन सा हो गया, पहला प्रकार हो गया। दूसरा क्या होगा, समांगी, ठीक है। तो समांगी जो है इसके विपरीत होगा, विषमांगी में क्या होता है, अधिकार को उत्पादों और उत्प्रेरक की जो भौतिक अवस्था है वो क्या होती है, सेम नहीं होती है, अर्थात भिन्न भिन्न होती है। इसमें क्या होगा, अभिकार को उत्प्रेरक और उत्पादों की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो क्या होती है, समान होती है। तो आप क्या कहेंगे, जब किसी अभिक्रिया में काम आने वाले उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अभिकारक व उत्पाद के समान होती है तो क्या हो गया, समांगी उत्प्रेरक, और जब किसी अभिक्रिया में काम आने वाले उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अभिकारक व उत्पाद से भिन्न होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, विषमांगी उत्प्रेरक कहेंगे, या आपकी परिभाषा हो जाएगी। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हमने क्या किया, ये जो है हमने लिया क्या, मेथिल एसीटेट, ठीक है। इसकी हमने अभिक्रिया करवाई किससे, H4 जल से जो है हमने इसकी अभिक्रिया करवाई, ठीक है। इससे क्या बनेगा, CH3COOH, ये बनेगा और क्या बनेगा, CH3C, ये बनेगा अपने N4। तो ये हमारे क्या हो गया, एक उदाहरण हो गया। अब इसमें जो उत्प्रेरक काम लिया जाता है वो क्या है, HCl, ठीक है, इसमें हम HCl जो है उत्प्रेरक काम ले रहे हैं। अब हम इसकी भौतिक अवस्थाओं की बात करें तो ये जो होता है ये लिक्विड है, तो द्रव अवस्था में होता है, मेथिल एसीटेट द्रव अवस्था में होता है, जल लिक्विड है, ठीक है। ये क्या है, एक्यू अर्थात जलीय विलयन है, ये भी क्या है, जलीय विलयन है, और जो HCl होता है उसका भी हम क्या करते हैं, जलीय विलयन ही काम में, ठीक है। तो ये जो है हमने क्या किया, जलीय विलयन काम में लिया है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ है, ये भी द्रव अवस्था में, ये भी द्रव अवस्था में। अब आप सोच रहे होंगे इसकी अवस्था तो भिन्न है, इसकी अवस्था भिन्न नहीं है, एक क्यों जलीय विलयन होता है, लेकिन जलीय विलयन भी क्या होगा, एक लिक्विड ही होगा, ठीक है, एक द्रवित पदार्थ ही होता है। बस अंतर इतना होता है कि ये जो है शुद्ध अवस्था में है, जल अभी शुद्ध अवस्था में, इसका तात्पर्य है कि इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है,
ये मेथिल एसीटेट जो है इसमें भी कुछ भी नहीं मिला हुआ है, ठीक है। ये जलीय विलयन है, इसके तात्पर्य क्या है, HCl है लेकिन HCl किसमें मिला हुआ, जल में मिला हुआ, लेकिन अवस्था तो कौन सी हुई, द्रवी हुई, ठीक है। और इससे क्या तात्पर्य, देखिए एक्वस सॉल्यूशन, इसका भी एक्वस मतलब क्या है भाई, जब हमने इसमें HCl डाल दिया तो उसमें जल था, अब जो पदार्थ बनेगा तो उसी में तो बनेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जलीय विलयन बोलेंगे। अब जब इसका जलीय विलयन प्राप्त होगा तो ये भी द्रव अवस्था में होगा, ये भी क्या होगा, द्रव अवस्था में होगा। थोड़ा सा हम इस पदार्थ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये जो इतना सा इसका भाग है, हम इसको एसीटेट के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, एसीटेट से। कहने का तात्पर्य है कि CH3COO को हम क्या बोल देते हैं, एसीटेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसीटेट जो है बोलते हैं, ठीक है। और एक कार्बन युक्त जो पदार्थ होता है उसको हम बोलते हैं मेथिल, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, मेथिल या मेथ बोलते हैं। आप चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी उदाहरण को वहां पर पुनः पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा देख लीजिए, ये इसको एसीटेट बोलते हैं और इसमें क्या जुड़ गया, एक कार्बन वाली चीज जुड़ गई, तो उसको क्या बोलते हैं, मेथिल। तो पूरा मिला के क्या हो गया, मेथिल एसीटेट हो गया। इससे बनने वाले जो पदार्थ है उनको भी देख लेते हैं, इसमें क्या है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन जो होते हैं उसको एथ बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, एथिल एसिटिक, ठीक है, सॉरी एसिटिक अम्ल हो गया, जिसके सी डबल ओ एच समूह आ जाता है वो क्या हो जाता है, अम्ल हो जाता है, ठीक है। और जिसके ओ एच समूह आता है वो क्या होता है, एल्कोहल होता है। तो ये क्या हो गया, एक कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं, मेथिल, लेकिन इसको मेथिल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मेथेनॉल बोलेंगे। तो ये एक एल्कोहल है, एल्कोहलिक पदार्थ है, जबकि क्या है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार है। तो दो कार्बन है, दो कार्बन हो गए तो क्या बोलते हैं, मेथ, तो ये एथेनॉलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे चौथे चैप्टर में। तो यहाँ पर आपको जो है उत्प्रेरक के दो प्रकार समझ में आ गए होंगे, विषमांगी और समांगी उत्प्रेरक। तो आप इसके जो एग्जांपल है वो लिख सकते हैं किताब में, इनके अलावा एक एक एग्जांपल और भी लिखे हुए हैं, लेकिन इससे वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर उसमें समझाया तो, क्योंकि हमारे और भी टॉपिक है, इसको हमको जो है बहुत ही कम समय में कम्प्लीट करना है, ठीक है। तो ये जो है आपके क्या हो गए, दो उदाहरण हो गए और आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए कि विषमांगी जो उत्प्रेरक होता है उसमें क्या होता है, जो उसकी भौतिक अवस्था है वो अभिकारक और जो उत्पाद है उससे भिन्न होती है, जबकि समांगी में क्या होता है, अभिकारकों और उत्पादों के समान ही होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला इसका प्रकार। तो देखिए स्टूडेंट, अगला जो हमारा प्रकार है वो किसके आधार पर है, क्रिया के आधार पर या अभिक्रिया के आधार पर, ठीक है। तो इसमें देखिए अभिक्रिया के आधार पर में जो है, अब हम जो उत्प्रेरक देखेंगे वो क्रिया किस प्रकार से करता है, किसके आधार पर देखेंगे, किस प्रकार से। देखिए इसमें जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा, धनात्मक, धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक। दूसरा हम देखेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। यहां से अंतर का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब देखिए धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, तो यहां पर क्या होगा कि जो उत्प्रेरक, जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को, इसकी जगह दर भी लिख सकते हैं, वेग को बढ़ाते हैं, ठीक है। अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, वे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, या ऐसे उत्प्रेरक जो कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण धनात्मक उत्प्रेरक के बहुत है, ठीक है। जो भी अब तक हमें उत्प्रेरक के जो उदाहरण पढ़े हैं वो कौन से थे, वो सारे ही धनात्मक उत्प्रेरक के उदाहरण हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने जो है MnO2 काम में लिया था, तो वो किसका एग्जांपल है, वो भी किसी का ही एग्जांपल है। इसके अलावा जो हमने निकल जो काम में लिया है वो भी किसका है, धनात्मक उत्प्रेरक का ही एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं किसकी, ऋणात्मक उत्प्रेरक की, तो इसी के विपरीत इसकी परिभाषा हो जाएगी, बाकी जो है इसमें सेम रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, बढ़ाने की जगह क्या आएगा, घटाते हैं, ठीक है, बस बाकी का सेम रहेगा। अंतर जो है आराम से स्पष्ट हो जाएगा इसका, जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो ये आपके क्या हो जाएगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक हो जाएगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक दोनों जो है आपके कंप्लीट हो गए। अब ऋणात्मक उत्प्रेरक में से बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, दो एग्जाम्पल इसके, दोनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो H2O2, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए जल नहीं है, H2O2 है, ठीक है। जब हम इसको खुले तापमान में छोड़ देते हैं, जैसे कमरे में हमने इसको रख दिया, ठीक है, इसमें सूर्य की रोशनी पड़ गई, तो इसका क्या हो जाता है, जैसे सूर्य है तो यहां पर सूर्य का प्रकाश मिल देता है,
सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हमने जो लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये अपने आप ही स्वतः ही क्या हो जाएगा, H2 और O2 में जो है बदल जाएगा, इसका अपघटन हो जाएगा और किसमें चेंज हो जाएगा, H2O2 में, ये H2O और O2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे ये जो पदार्थ है ये काम में आता है, ना कि हमारे ये, तो ये तो ऐसा ही होगा कि जैसे अभी मान लो कि हम जो है दही में बहुत ज्यादा पानी मिला देते हैं, वो हमारे किसी काम की नहीं, तो भी ऐसा ही हो जाएगा। तो हमारे ये पदार्थ काम में आता है, ना कि ये पदार्थ काम में आता है। तो हमको क्या करना है कि इस प्रक्रिया को रोकना है। मैंने क्या कहा था कि अभिक्रिया कब जो उत्प्रेरक है वो कभी भी इसी तरीके से काम नहीं आता कि आप जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाओगे, कभी कभी हमको अभिक्रिया को रोकना भी होता है या फिर उसको धीरे भी करना होता है। जैसे अभी मान लो कि एक आपने इसको एक दिन छोड़ा, ठीक है, एक दिन में पूरा का पूरा, जैसे एक लीटर था, एक लीटर पूरा का पूरा एक दिन में जल में और O2 में चेंज हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम ये एक साल तो रहे, हो अपघटन, अपघटन को हम रोक नहीं सकते, अभिक्रिया तो होगी, लेकिन कम से कम आप उसकी दर को कम कर देंगे तो ये धीरे धीरे तो टूटेगा, तो आप उसका उपयोग तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम क्या कर लेते हैं, ऐसा उत्प्रेरक काम में लेंगे जो कि इसी जो अभिक्रियाशीलता है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। तो देखिए हम क्या कर देते हैं, इसमें क्या डाल देते हैं, ग्लिसरॉल डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, ग्लिसरॉल डाल देते हैं। तो ग्लिसरॉल जो है, ग्लिसिन जैसा पदार्थ होता है, अगर आपको आप जो है इसमें ग्लिसरॉल डाल देंगे, क्या कर देंगे, इसमें ग्लिसरॉल डाल देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो इसका जो अपघटन है वो तेज नहीं होगा, ठीक है, धीरे धीरे अपघटित होगा ये। तो आप इसमें क्या डाल देंगे, ग्लिसरॉल डाल देंगे, अगर इसमें जो है ग्लिसरॉल हमने उपयोग किया तो ये अभिक्रिया धीरे धीरे होगी, ठीक है। तो ये हमारे जो है पहला एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा कैसे पूछा जाता है, H2O2 के अपघटन को रोकने के लिए ग्लिसरॉल क्यों मिलाया जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कारण से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका आंसर क्या लिखना है कि उपरोक्त अभिक्रिया में ग्लिसरॉल इस कारण से मिलाया जाता है क्योंकि H2O2 को खुला रखने पर या कमरे में सामान्य रखने पर या सामान्यतः कमरे में रखने पर क्या हो जाता है, वह H2O और O2 में चेंज हो जाता है या बदल जाता है, ठीक है। तो इसके अपघटन को धीमा करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लिसरॉल मिलाते हैं। ग्लिसरॉल यहाँ एक प्रकार के ऋणात्मक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। आप ये कारण लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक बार वो सुन लीजिए, H2O2 के अपघटन को रोकने के लिए ग्लिसरॉल जो है इसमें डाला जाता है क्योंकि ग्लिसरॉल क्या कर देता है, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है और H2O2 के अपघटन को धीमा कर देता है या फिर रोक देता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल होगा। दूसरा एग्जाम्पल इसी प्रकार का, तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक का दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे जो क्लोरोफॉर्म है, C3H4, ये क्लोरोफॉर्म है, अगर इसको वायु में खुला रख दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, COCl2 में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा, H2O या फिर हाइड्रोजन गैस में बन जाएगा, ठीक है, H2O बन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन मिलेंगे और यहाँ से ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर खुला रख दिया जाए तो उससे क्या हो जाएगा, COCl2, इसका नाम है फोजिन गैस, फोजिन गैस, ठीक है, ये बन जाएगी, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म आप जानते हैं कि वो बेहोश करने के काम में आने वाली एक दवा है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म को अगर हमने वायु में खुला छोड़ दिया तो उससे और भी हानिकारक गैस, ये विषैली गैस होती है, कैसी गैस होती है, विषैली गैस होती है, ठीक है। अब ये विषैली गैस तो जो है आसपास में जो व्यक्ति रहेगा उसको नुकसान पहुंच सकती है, इसका भी अपघटन रोकने के लिए हम क्या करते थे, इसके अंदर जो है C2H5OH अर्थात एल्कोहल या एथेनॉल जो है इसमें मिला देते हैं। तो एथेनॉल मिलाने से क्या हो जाता है, क्लोरोफॉर्म का जो अपघटन है वो धीमा हो जाता है, या फिर हमारे इसके कि अपघटन जो है इसका रुक जाता है, ठीक है। तो ये इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब हमारे जो है अभिक्रिया के आधार पर जो उत्प्रेरक के प्रकार थे उनमें दो प्रकार हो गए हैं। अब हम देखते हैं अगला इसका प्रकार, तो अगला जो इसका प्रकार है वो क्या है, तीसरा स्वतः उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक। अब स्वतः उत्प्रेरक क्या होता है, इसमें आप क्या करोगे कि किसी प्रकार के उत्प्रेरक का उपयोग नहीं करोगे, बल्कि क्या हो जाएगा, जो बनने वाला जो उत्पाद होता है वो उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा,
तो देखिए ये है हमारे स्वतः उत्प्रेरक का उदाहरण, इसमें यहां पर हम कोई उत्प्रेरक नहीं लिखेंगे। देखिए यहां पर क्या है, एथिल एसीटेट, एसीटेट मैंने बता दिया आपको कि ये जो है इतना एसीटेट है और ये दो कार्बन युक्त है, तो इसको क्या बोलेंगे, एथिल। एक कार्बन होगा मेथिल और ये दो कार्बन है, इसलिए क्या बोल दिया, एथिल बोल दिया। ठीक है, यहां पर क्या हो गया हमारे पास, ये एसिटिक अम्ल था ही पहले से, और ये क्या हो गया, जैसे वहां पर मेथिल बना था वैसे यहाँ पर क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो उत्पाद बनता है, जब इस अभिक्रिया का विश्लेषण किया गया तो ये देखा गया कि शुरुआत में जब ये अभिक्रिया होती है तो वो धीरे धीरे होती है, लेकिन जैसे ही उत्पाद थोड़ा बनने लगता है, उत्पाद बना थोड़ा सा, तो ये अभिक्रिया अचानक क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो इसकी जो उत्पाद है वो किसका काम कर रहे हैं, उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए, उत्प्रेरक के जो है अपने उदाहरण हो गए। ठीक है, अब हम जो है इसका लास्ट प्रकार देखते हैं, चौथा, वो क्या है, जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक या एंजाइम। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा आप देख लीजिए, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद उत्प्रेरक की भांति कार्य करे तो उसे हम स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो जाएगी। अब इसकी देखते हैं, ऐसे उत्प्रेरक या ऐसे पदार्थ जो कि जैविक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित करते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, जैव उत्प्रेरक बोल देते हैं, या फिर उसको एंजाइम भी बोल देते हैं। एंजाइम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैव उत्प्रेरक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप दोनों नाम याद रखिएगा, एंजाइम भी जो है आपके काम आएगा, बायोलॉजी वगैरह काम में आता ही। ठीक है, तो जैव उत्प्रेरक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, किसी जैविक प्रक्रिया या मनुष्यों या जंतुओं में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनको परिवर्तित करते हैं। जैसे कि जो यूरिया है, यूरिया क्या हो जाएगा, NH2CO NH2। ठीक है, अगर इसकी जल से अभिक्रिया होती है, इसकी क्या होती है, जल से अभिक्रिया होती है तो क्या बन जाती है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है, अगर इस अभिक्रिया को तेज करवाना है तो यहां पर, या ये जो अभिक्रिया पूर्ण होती है वो किसके, यूरिक एज, मैं यहां पर नाम लिख देता हूं, यहां पर हो सकता है शायद नहीं लिखे, यूरिक एज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। तो ये जो जैव, ये क्या हो गया, यहां पर जैव उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि ये जीवों में होने वाली अभिक्रिया है। जैसे कोई जीव ऐसे होते हैं जो अमोनिया का निर्माण करते हैं तो वहां क्या होता है, यूरिक एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो हमारे क्या हो गया, अभिक्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार हो चुके हैं। बस अब एक छोटा सा और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उत्प्रेरक को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहां पर एक और अपना छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो आप समझ लीजिए, उत्प्रेरण क्या होता है। उत्प्रेरण, उत्प्रेरण तो हमने पढ़ा है, उत्प्रेरण क्या होता है, देखिए उत्प्रेरक जो क्रिया करता है उसको हम उत्प्रेरण बोलते हैं। कहने का तात्पर्य है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रयोग करके उसके वेग को परिवर्तन करना क्या कहलाता है, उत्प्रेरण कहलाता है। बस इतना से आपको याद रखना है। अब जैसे हमने धनात्मक और ऋणात्मक तो पढ़े थे या विषमांगी और जो समांगी उत्प्रेरक पढ़ा था, तो वहां पर क्या आ जाएगा, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है वो बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो वहां पर बस आपको ये बताना है कि जब उत्प्रेरक, वही परिभाषा लिख रही है, जब उत्प्रेरक की जो भौतिक अवस्था है वो उत्पाद और अभिकारक के समान होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, समांगी उत्प्रेरक बोल देते हैं, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। अगर धनात्मक से अगर क्वेश्चन आ जाता है धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है, तो आपको वही परिभाषा लिखनी, यदि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, या अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक है वो वेग को बढ़ाने के काम में लिया जा रहा है, तो लास्ट में आपको वही परिभाषा लिखनी है, उत्प्रेरक की वही परिभाषा लिखनी है, और साथ में एक छोटा सा और जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है, कि इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, धनात्मक उत्प्रेरण बोलेंगे। तो आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, आप अब जो है उत्प्रेरक का क्वेश्चन भी जो है देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर अब क्या होगा, हमारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ेगा, लेकिन वो मैं आपको जो है नाम से स्पष्ट करा दूंगा। ठीक है, तो जो है पहला होता है हमारे क्या, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वर्धक,
और दूसरा पदार्थ होता है अपने क्या, उत्प्रेरक विष। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे पदार्थ जो कि उत्प्रेरक, उत्प्रेरक अभिक्रिया नहीं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। ऐसे पदार्थ क्या करते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। हम उन पदार्थ को क्या बोल देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक वर्धक हो जाएगा। ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक परिभाषा हो गई। अब उत्प्रेरक विष भी इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने की जगह क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं और ऐसे पदार्थ जो कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं, बढ़ा देते हैं जो क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरक वर्धक कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है। देखिए अभी पिछले सालों के जो पेपर है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष क्या होते हैं। तो बच्चे जो है क्या कर देते हैं, बच्चे क्या कर देते हैं, इसकी परिभाषा लिखने के बजाय क्या कर देते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक की परिभाषा लिख देते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, वो गलत हो जाता है। धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक है वो, उसमें तो खुद में नाम क्या आ रहा, उत्प्रेरक। तो आप यहाँ पर उत्प्रेरक का उपयोग कर ही नहीं सकते। ठीक है ना, वहां तो क्या खुद ही नाम में क्या आ रहा है, धनात्मक उत्प्रेरक। तो वो तो टॉपिक किसके लिए है, उत्प्रेरक के लिए। लेकिन यहाँ पर आप उत्प्रेरक के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप ऐसा पदार्थ पढ़ रहे जो कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। अब देखिए नाम क्या है, उत्प्रेरक वर्धक। अब देखो यहाँ पर अगर हम वर्धक का देखें, वर्धक का मतलब क्या होता है, बढ़ाने वाला। किसको बढ़ाने वाला, उत्प्रेरक को। अब उत्प्रेरक की मात्रा को तो बढ़ाने से रहा, ये उत्प्रेरक की क्या करेगा, उत्प्रेरक की काम को बढ़ाएगा। ठीक है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा। तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाले क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। ठीक है, वहां पर क्या था, धनात्मक उत्प्रेरक था और ऋणात्मक वो उत्प्रेरक था। उत्प्रेरक किसके लिए काम करता है, अभिक्रिया के लिए काम करता है। ठीक है, तो वहां पर हमको उत्प्रेरक जो है अलग लिखना है और वर्धक अलग लिखना है। तो थोड़ा सा आप इसको देखिए और मेरा जो है इसको कंफ्यूजन को कम करने का सीधा सा जो है उदाहरण ये होता है कि आप तो क्या कीजिए, एक चीज को याद कर लीजिए और दूसरी चीज को केवल पढ़िए, याद मत कीजिए, केवल पढ़िए। इससे क्या हो जाएगा, आपको जो चीज याद है आपको उस पर पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा। और अगर उसके दूसरा वाला पूछा जाता है तो आपने पढ़ा तो है ही। ठीक है, तो आप उसमें से लिख सकते हैं कि हमने कौन सा पढ़ा था, उत्प्रेरक वर्धक पढ़ा था या उत्प्रेरक विष पढ़ा था, तो आप उसकी परिभाषा याद है। अगर वो धनात्मक ऋणात्मक उत्प्रेरक पढ़ता है तो नाम से स्पष्ट हो जाएगा और आप आसानी से उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है, कंफ्यूजन कम हो जाए। अब हम इसके उदाहरण देखें, तो देखिए उत्प्रेरक वर्धक का एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, अमोनिया के निर्माण की जो है अभिक्रिया देखते हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जब अभिक्रिया होती है तो अमोनिया का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया करवाने के लिए Fe अर्थात फेरस, जिसको हम लोहा भी बोलते हैं, का उपयोग करते हैं। ठीक है, इससे अभिक्रिया होती है। लेकिन इस अभिक्रिया को हमको और ज्यादा तीव्र करवाना है तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर MO अर्थात मोलिब्डेनम का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि Fe तो यहाँ क्या है, उत्प्रेरक है, जबकि ये क्या हो गया, यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक हो गया। क्या हो गया, उत्प्रेरक वर्धक हो गया। ठीक है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि उपरोक्त अभिक्रिया में Fe एक उत्प्रेरक है जबकि MO क्या है, उत्प्रेरक वर्धक है। ठीक है, अब हम देखते हैं उत्प्रेरक विष का। तो देखिए हमने उत्प्रेरक विष के उदाहरण के लिए भी हमने यही उदाहरण लिया है। यहां पर जब हम MO मिलाते हैं तो उससे तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक वर्धक का काम करेगा वो। लेकिन अगर आप इसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान रखिएगा अगर आप सी के बाद छोटा वो लिख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको सी भी बड़ा लिखना है और ओ भी बड़ा लिखना है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप इसमें प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये उत्प्रेरक विष की भांति कार्य करेगा। तो ये तो क्या है, यहाँ पर फेरस जो है क्या है, उत्प्रेरक, और ये क्या है, उत्प्रेरक विष। आपको ऐसे नहीं लिखना है पेपर में, आपको नीचे अलग से जो है लाइन बनाकर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे जो है ये अच्छा नहीं लगेगा, तो आप जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें लगभग सारे जो
टॉपिक टेस्ट हमने पूरे करवाए हैं। अगर फिर भी कोई टॉपिक रह गया हो तो आप जो है कमेंट में कर सकते हैं कि सर आपने ये टॉपिक जो है नहीं पढ़ाया है, उसको अगली वीडियो में हम जरूर पढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं, जो कि मैंने शुरू में बता दिया था, अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन भी आप करने हैं तो आप क्वेश्चन का नंबर बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपको समझना है, वो मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कोई टॉपिक अगर आपको दोबारा समझना हो या किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो वो दोबारा समझाया जा सकता है, आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को जो है आप दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, तो जिस प्रकार से आपको आनंद आ रहा है उसी प्रकार से उनको भी आनंद के साथ जो है साइंस पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो भी जो है आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं इस चैप्टर के नोट्स बनाकर आपको जो है लिंक भेज दूंगा, उस लिंक से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।